फ्रेंड्स, अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं या फिर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो आप कभी ना कभी एस्फेरिक और स्फेरिकल लेंस के बारे में जरूर सुना होगा। इन दोनों के नाम लगभग सेम है और इस वजह से कंफ्यूजन होती है, और साथ ही आप ये भी नहीं जानते होंगे कि इससे हमें क्या फायदा है और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। इसी सब बातों पर आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो कम्प्लीट उसी पर फोकस है, तो बने रहिए होम टॉक चैनल। मैं प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ होम टॉक चैनल पे। दोस्तों, आई ग्लासेस से रिलेटेड सभी टाइप की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि हर टाइप की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। वेल फ्रेंड, एस्फेरिक और स्फेरिकल लेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए, और पिक्चर देखने के बाद आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगा कि नॉर्मल लेंस और एस्फेरिक लेंस में क्या फर्क होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक और दूसरे लेंस में, हम इस लेंस के पीछे जो कपड़ा देख रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है, उसमें किसी प्रकार का और कोई चेंजेस नहीं आया है। वहीं पर जब हम दूसरा लेंस देख रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस है, जैसे कि कपड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, किनारे किनारे उसका मुड़ा हुआ है, ऐसे फर्क आपको दिखाई देते हैं। अब बात आती है ये फर्क कहाँ पे आता है, क्योंकि आप अगर नॉर्मल अपने ग्लासेस को उठा के देखेंगे तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये एक सिंगल विजन लेंस है। और मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि एस्फेरिक लेंस जो है, अभी जो आ रहे हैं वो सभी एस्फेरिक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहले जो है नहीं आते थे, तो उस समय इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जिनका कम नंबर है उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका पावर ज़्यादा होता है, जैसे कि 8-10 नंबर होता है, 12-14 ऐसा नंबर होता है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। आपने फ्रेंड देखा होगा कि किन्हीं लोगों का जो पावर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हम बोल देते हैं कि +10 नंबर का कोई चश्मा लगाया हुआ है, यूँ लगा लिया है चश्मा, तो सामने वाला व्यक्ति जब उसकी आंखों को देखेगा तो प्लस नंबर वाले व्यक्ति की जो आँख है वो बड़ी बड़ी दिखाई देगी। वहीं पर अगर सामने वाले का जो ग्लासेस है वो माइनस नंबर में है, हाई नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हाई नंबर है तो उनकी जो आंखों को आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी दिखाई देती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो एक नॉर्मल लेंस की वजह से आती है। तो अब यहाँ तक समझ गए कि एस्फेरिक और नॉर्मल लेंस में क्या फर्क आता है। तो यही जो प्रॉब्लम है, जो आंखें छोटी या बड़ी दिखाई देती है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है एस्फेरिक लेंस, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड, अब जानते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा कि ये बताने के लिए मैं आपको एक लेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ग्लास लेंस है, कांच का है और बाइफोकल लेंस है। इस लेंस को आप देखेंगे तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये एस्फेरिक लेंस नहीं होता तो क्या होता, इसका जो पावर जब आप चेक करते हैं लेंसोमीटर में, आप चेक करेंगे या ट्रायल नॉर्मल ट्रायल सेटअप बॉक्स चेक करते हैं, तो अगर आप सेंटर से चेक करेंगे तो आपको अलग पावर मिलेगा, जो लेंस में एक्यूरेट पावर है वो दिखाई देगा बिल्कुल सेंटर में, और वहीं पे अगर आप किनारे पे चेक करते हैं तो अलग पावर दिखाई देता है। तो आप समझ जाएंगे कि एक नॉर्मल लेंस है, लेकिन स्फेरिक लेंस में वही बेनिफिट मिलता है, आपको चारों एरिया में एक समान पावर मिलता है। इसके लिए आपको मेजरमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो पहले जमाने में क्या होता था कि आपको IPD लिया जाता था। IPD के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया कि IPD क्या है, क्यों लिया जाता है और क्यों लेना भी चाहिए। सभी चीज़ों के बारे में वो वीडियो कंप्लीट है, ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। वहीं पर साथ में मैंने एक वीडियो और भी बनाया था, सेंटर पॉइंट ऑफ विजन, आपकी आंखों के लिए सेंटर पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो जैसे कि मैंने ग्लास लगाया, और ऑप्टिशियन क्या करते हैं, आपका IPD लेते हैं आपकी आंखों से और ठीक इस लेंस को उसी सेंटर पे फिट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो आंखें हैं उनको एक परफेक्ट सेंटर पॉइंट मिलता है और वहां से आपको एकदम क्लियर विजन मिलेगा। तो एस्फेरिक लेंस में यही सब बेनिफिट है कि आपको विजन जो है, अगर थोड़ा सा एंगल इधर से उधर हो गया तो भी आपको अच्छा विजन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ एस्फेरिक और स्फेरिकल का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो में किसी प्रकार की कमी लगती है, कुछ सुधार आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और अच्छा लगा तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।